हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल। क्लास 9 की पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेसन 6 माइल्ड द मिस्ट अपॉन द हिल बाय एमिली जेन ब्रॉन्टी पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे और हम लोग राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस के आंसर भी लिखेंगे। अगर आप लोगों ने क्लास 9 का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक ऊपर राइट साइड में दिए गए आई बटन पर दे दिया है। आप लोग आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर के सामने में टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द मिस्ट वाज अपॉन द, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिल, मतलब कुहासा पहाड़ी के ऊपर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सॉरो ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइलेंट, मतलब इस पोएम में दिन के गम को साइलेंट यानी खामोश बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द हॉल डोर मेंशन्ड इन द पोएम इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओल्ड, मतलब इस पोएम में हॉल के जिस दरवाजे का जिक्र किया गया है वो ओल्ड है, वो पुराना है। क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट वॉचेस द क्लाउडी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इवनिंग, मतलब पोएट बादलों वाली शाम देखती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कलर ऑफ द मिस्ट इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू, मतलब कुहासा का रंग नीला है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डैम्प स्टैंड्स ऑन द, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रास, मतलब बारिश का पानी, बारिश की बूंदें घास के ऊपर रहती हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 25 वर्ड्स। दिए गए क्वेश्चंस के आंसर 25 वर्ड्स के अंदर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, वेयर डज द पोएट सी हरसेल्फ व्हेन शी थिंक्स ऑफ हर चाइल्डहुड, मतलब पोएट जब अपने बचपन के बारे में सोचती है तो वो खुद को कहाँ देखती है। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, व्हेन द पोएट थिंक्स ऑफ हर चाइल्डहुड शी सीज हरसेल्फ अंडर हर फादर्स शेल्टरिंग रूफ एंड नियर द ओल्ड हॉल डोर, यानी पोएट जब अपने बचपन के बारे में सोचती है तो वो खुद को अपने पिताजी के छत के नीचे और पुराने हॉल के दरवाजे के पास देखती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द पोएट वॉच ऑन द क्लाउडी इवनिंग, मतलब बादलों वाली शाम में पोएट ने क्या देखा। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, On the cloudy evening, the poet watched blue and sweet mists that covered the mountain chain of the horizon. मतलब बादलों वाली शाम में पोएट ने नीला और सुंदर कुहासा देखा जिसने पहाड़ों के सिलसिले को यानी पहाड़ों के श्रृंखला को ढक दिया था। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3, Identify the following sentences as simple, compound and complex. बताना है कि दिए गए sentences में से कौन सा sentence simple sentence है, कौन सा compound sentence है और कौन सा complex sentence है। तो पहला sentence है sentence number 1, He is too short to climb the wall. तो ये एक simple sentence है। Sentence number 2 है, The sky was blue and the sun shone bright. तो ये एक compound sentence है। तीन नंबर सेंटेंस है, द ओल्ड मैन हु लिव्ड इन अ विलेज बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज फ्लैट, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर 4 है, लीविंग अ जॉब मिडवे इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये एक सिंपल सेंटेंस है। लास्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, लास्ट वीक आई मेट अ फ्रेंड हु गेव मी अ बैग विच इज ब्राउन इन कलर, तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4, डू एज डायरेक्टेड। इसमें सेंटेंस नंबर 1 है,
The question was so easy that everyone could answer it, change into a simple sentence. तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, हम लोगों को इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है. तो इसका सिंपल सेंटेंस होगा, द क्वेश्चन वॉज टू ईजी टू आंसर. नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर टू, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, चेंज इन टू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये एक सिंपल सेंटेंस है, हम लोगों को इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है. तो हम लोग इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखेंगे, अ फ्रेंड हु इज इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड. सेंटेंस नंबर थ्री, पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर थ्रेट्स टू आवर ब्यूटिफुल प्लानेट, चेंज इन टू अ कंपाउंड सेंटेंस. ये एक सिंपल सेंटेंस है, हम लोगों को इसको एक कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है. तो इसको चेंज करके हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में लिखेंगे, आवर प्लानेट इज ब्यूटिफुल बट पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर थ्रेट्स टू इट. नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर फोर, डू और डाई, चेंज इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, हम लोगों को इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है. तो इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, इफ़ यू डोंट डू यू विल डाई. लास्ट है सेंटेंस नंबर फाइव, ही वॉज कन्फ्यूज्ड एंड स्टॉप्ड वर्किंग, चेंज इनटू अ सिंपल सेंटेंस. ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है. तो इसका सिंपल सेंटेंस होगा, बीइंग कन्फ्यूज्ड ही स्टॉप्ड वर्किंग. अब हम लोग राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे. एक्सरसाइज फाइव, राइट अ लेटर विद इन 100 वर्ड्स टू द हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस ऑफ योर स्कूल सीकिंग लीव ऑफ 2 days फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडिंग द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर एल्डर सिस्टर. अपनी बड़ी बहन की शादी अटेंड करने के लिए 2 दिनों की छुट्टी मांगते हुए अपने हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को 100 वर्ड्स के अंदर एक लेटर लिखना है. सबसे पहले हम लोग ऊपर लेफ्ट साइड में टू द हेडमास्टर, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस और पिन कोड लिखेंगे. उसके बाद हम लोग लेटर का सब्जेक्ट लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ एब्सेंस, मतलब गैर हाजिरी की छुट्टी की दरख्वास्त. उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड में रिस्पेक्टेड सर लिख के कॉमा देंगे. उसके बाद हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, With much pleasure, I inform you that my elder sister's marriage ceremony is going to be held in the coming week on 7th March. Our entire family is busy in the preparation. Our relatives have already started reaching our home. उसके बाद हम लोग लिखेंगे, So it will not be possible for me to attend school on 6th and 7th March. उसके बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, I therefore request you to grant me a leave of 2 days for the above mentioned dates. I will attend school from 8th March as per schedule. उसके बाद हम लोग नीचे लेफ्ट साइड में डेट लिखेंगे और राइट साइड में थैंकिंग यू योर्स ओबेडियंटली लिख के हम लोग नीचे में अपना नाम, क्लास और रोल नंबर लिखेंगे. राइटिंग स्किल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सरसाइज सिक्स, Suppose you had bought a book from a bookstore. By mistake, you left it there instead of bringing it back with you. Providing details of the book and its author. Write a letter within 100 words to the owner of the store to find the book and keep it until you come to collect it. बोल रहा है कि मान लीजिए आपने किताब की एक दुकान से किताब खरीदा था और किताब को अपने साथ लेके आने के बजाय गलती से आप किताब को वहीं छोड़ के आ गए. तो किताब का डिटेल्स देते हुए और उसके ऑथर का नाम बताते हुए 100 वर्ड्स के अंदर में दुकान के मालिक को एक लेटर लिखना है, ये कहते हुए कि वो किताब को ढूंढ करके अपने पास रखे जब तक कि आप किताब को लेने के लिए नहीं आते. सबसे पहले हम लोग ऊपर लेफ्ट साइड में टू लिख करके बुक स्टोर के मालिक का नाम लिखेंगे. उसके नीचे हम लोग बुक स्टोर का नाम, एड्रेस और पिन कोड लिखेंगे. उसके बाद हम लोग लेटर का सब्जेक्ट लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ बुक मिस्टेकनली लेफ्ट एट योर स्टोर, मतलब एक किताब की जानकारी जो भूल से आपके बुक स्टोर में छूट गई है.
उसके बाद हम लोग लेफ्ट साइड में सर लिख के कॉमा देंगे और उसके नीचे थोड़ा स्पेस दे करके हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे. विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई इन्फॉर्म यू दैट आई बॉट अ बुक टाइटल्ड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड रिटन बाय जोसेफ मर्फी फ्रॉम योर बुक स्टोर ऑन 11th मार्च बट इंस्टीड ऑफ टेकिंग इट विथ मी आई मिस्टेकनली लेफ्ट इट एट योर बुक स्टोर. उसके नीचे हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे. आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू फाइंड द बुक एंड कीप इट. आई विल कम इन द नेक्स्ट वीक टू कलेक्ट द बुक. उसके बाद हम लोग नीचे राइट साइड में थैंकिंग यू लिखेंगे. उसके नीचे योर्स सिंसियरली लिख करके अपना नाम लिखेंगे और लेफ्ट साइड में हम लोग अपना एड्रेस और उसके नीचे में डेट लिखेंगे. आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. इस लेसन के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.